एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये न्यू मांगा है द ड्रीम शॉप ऑफ स्क्रिप्ट या स्क्रिप्ट ऑफ द ड्रीम शॉप। लेट मी गेस फर्स्ट। ओह, द करेक्ट नेम इज द स्क्रिप्ट शॉप ऑफ ड्रीम। चलो इसे स्टार्ट करते हैं और जितना ज़्यादा चैप्टर्स हो सके आज इस वीडियो में कवर करते हैं। एक बार की बात थी, ब्लिज़र्ड मैनर में जो मर्डर केस थे ना, वो कमली स्टोरीज में जो वहाँ पर बताई जाती थी वहाँ देखे जाते थे। ड्रीम, ये गेम अभी तक एंड क्यों नहीं हुई? करैक्टर ये हैं मैनर के मिस, और जो इस करैक्टर को खेल रहा है उसके आइडिया लियो मैंग। हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ भागोगी मिस? मुझे मत मारो, लोगों को मारना बंद करो। मैं आपको कैसे चोट पहुँचा सकता हूँ मिस? यह है करैक्टर बटला। मैं सिर्फ आप पे कॉलर पहनाना चाहता था। हाँ, मेरे साथ हमेशा के लिए रहो माय लोलो मोहन। आप इसके बारे में सोचते हैं? मैंने अपना पूरी ज़िंदगी भर का जितना भी बैड लगता है वो इस्तेमाल कर लिया होगा। एड पैनल विद फीमेल लीड क्लोजिंग हर आईज, और जो मेल लीड है उसे किस कर रहा है, ये की पैनल है उससे फिर से मिलने के लिए। तुम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम चाहते हो, राइट? मैं हूँ लू मैंग, 18 साल की हूँ, ऑलमोस्ट कॉलेज में सोमोफोर हूँ, क्योंकि मैं एक अमीर यंग लेडी हूँ और मेरे पास बहुत अच्छे लुक हैं, तो मैं जो चाहे वो ले सकती हूँ। फॉर इंस्टेंस, क्या तुमने उस आदमी को ढूंढ लिया जिसे मैं चाहती हूँ? ओह माय गॉड, उस जॉब के बारे में सोचना बंद करो। अगर तुम दिन भर अच्छा खाना खाओगे ना, मतलब अच्छे से खाना खाओगे, तो डैड है ना तुम्हारे लिए बहुत सारे हैंडसम गाय ढूंढेंगे। ग्रेड A5 टॉप ग्रेड शशमी? नहीं डैडी, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ रहे। मैं घर से भाग रही हूँ। बट आप तो सवेरे ही भागी थी, जल्दी वापस आना मत भूलना। सर, मिस है ना उस नाम के आदमी को जिसका मोहन नाम है, उसे ढूंढना चाहती हूँ। बट इसके बारे में चलो बात नहीं करते हैं। बट मिस है ना अपने आप को भूखा रख रही हैं, और ये एक सोल्यूशन नहीं है, यही एक रास्ता है, तो चलो एक्शन लेते हैं। कुछ घंटे बाद, पिछले 2 सालों में इंप्रेसिव स्क्रिप्ट गेम्स है ना वो बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। प्लेयर्स है ना सिर्फ एक्सपीरियंस ही नहीं करते डिफरेंट टाइप स्क्रिप्ट में, बट जो एक्सट्रीम रियलिस्टिक विजुअल इफेक्ट्स है ना और फिजिकल सेंसेशन, वो भी बहुत कमाल किए हैं। इंप्रेसिव स्क्रिप्ट गेम ये कब से इतना पॉपुलर हो गए? मैंने कोई प्रमोशन पहले क्यों नहीं देखे? हम फॉर्चुनेट हैं जो प्रोडक्शन टीम है स्क्रिप्ट गेम की, एक ग्रुप ऑफ एलाइड फॉर्म है जो टॉप यूनिवर्सिटी पूरी कंट्रीज में से आए हैं। तो चलो वेलकम करते हैं इनके मास्टरमाइंड को मिस्टर मोहन, कि वो हम सबको डिटेल में इंट्रोड्यूस करवाएं। ड्रीम है ना एक होस्ट प्रोग्राम है जो मेंटेन करता है ऑपरेशन ऑफ द स्क्रिप्ट। ड्रीम में जो प्लेयर्स है ना वो इम्प्रेस कर सकते हैं खुद को उनके रोल्स ऑफ द स्क्रिप्ट पे, और वो कैरेक्टर्स की डेस्टिनी भी बदल सकते हैं स्क्रिप्ट शॉप ऑफ ड्रीम। अगर तुम ट्रैवल करना चाहते हो दूसरी दुनिया में और वहाँ के मेन किरदार बनना चाहते हो, तो आप सबका स्वागत है स्क्रिप्ट शॉप ऑफ ड्रीम में। मोहन, 1 सालों पहले वो मेरे पास भी ऐसे ही आया था, और आज से मैं तुम्हारा पर्सनल ट्यूचर हूँगा मिस। फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ कॉलेज में, क्योंकि मैं 4 सब्जेक्ट में फेल हो चुकी थी, मैंने एक प्राइवेट ट्यूटर को हायर करा हाई प्राइस पे। मोहन एक कंप्यूटर इंजीनियर था जिसने टॉप यूनिवर्सिटी को एंटर करने के लिए ग्रेड स्क्रिप्ट करा था। उसे सीनियर्स सब लोग अच्छे तरह से जानते थे जब मैं हाई स्कूल में थी। वो बच्चा बहुत स्मार्ट था और हैंडसम भी था। तुम कह रहे हो कि तुम जो चाहे वो ले सकती हो दुनिया में? क्या जो नॉलेज थी तुम्हारी दुनिया से बाहर है? एडवांस मैथमेटिक 20 मार्क्स, ये बहुत दया की बात है कि वो टेरेबली पर्सनैलिटी थी और हमेशा ही पॉकर फेस रखता था, और तो वो नेस्टी था और उसकी अलूफ पर्सनैलिटी थी। चाहे मैं कुछ भी सोचूं वो मुझे रिस्पॉन्स करता था। मेरी इमेजिनेशन से ना वो वाइल्ड रन होती थी बाहर बारी। वो रिस्पॉन्ड करता था एक प्रोग्राम की तरह, वो स्मूथली एक परफेक्ट स्टोरी के साथ आ जाता था। मैं सच में वो पीरियड ऑफ टाइम बहुत इंजॉय करती थी, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम्हारे जवाब के बारे में क्या? कल तुम्हारा बर्थडे बेनिफिट है, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। उस दिन बहुत सालों के बाद जब उसने वो पोकर फेस कर रहा था, उसने एक जेंटल स्माइल पहली बार ही करी। मेरे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको देने के लिए मिस, और फिर वो
हवा में गायब हो गया। कोई भी इस घर में 10 सालों से नहीं रहा है, मतलब ये घर 10 सालों से खाली है, और मैंने किसी को भी नहीं सुना जिसका नाम मोहन है। स्वीट गर्ल, तुम्हारे पास कभी कोई ट्यूटर था ही नहीं क्या? रिसेंट स्ट्रेस के वजह से है? हमारे पास ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं था हमारे लैबोरेटरी में। इस दुनिया में जितने भी ट्रेसेस थे उसके वो गायब हो गए। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? ये जो मेमोरीज हैं वो ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ इतना सच है। मैं जानती हूँ कि मेरी इमेजिनेशन नहीं है। एक परफेक्टली फाइन इंसान कैसे गायब हो सकता है? ये कैसे भाग सकता है मुझसे कन्फेस करने के बाद, उसे अवॉइड करने के लिए? मतलब ये कैसे भाग सकता है मेरे कन्फेस करने के बाद, सिर्फ मुझे अवॉइड करने के लिए? मैं तुम्हें इतने सालों से सर्च कर रही थी फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिला, और अब तुम अचानक से खुद ही आ रहे हो और तुम इतने केयरफुल और इतने खुश हो। मैं कभी भी ऐसा मैंने बिहेव नहीं करा जो स्क्रिप्ट शॉट ऑफ ड्रीम है ना, राइट? इस समय मैं जवाब लेकर रहूँगी। स्क्रिप्ट शॉट ऑफ ड्रीम, मोहन, क्या वो है जो तुमने क्रिएट कराया है? ये बहुत ऑर्डिनरी लग रहा है मुझे, लगा था यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पॉटिकेटेड होगा। हेलो मिस, होली शिट, वाओ, यहाँ पे मॉन्स्टर है। ओह डियर कस्टमर, ये क्या आपका फर्स्ट टाइम है स्टोर में आना? बेप, सॉरी मैंने आपको डरा दिया मिस। मैं ड्रीम हूँ, होस्ट प्रोग्राम है स्क्रिप्ट, इस स्टोर स्क्रिप्ट का। जो ड्रीम प्रोग्राम है वर्चुअल इमेज, और जो मोस्ट पॉपुलर है, द मोस्ट पॉपुलर वन है स्टोर में। अगर जो बुक है वो एंटायर वेन्यू में है आज, और आप अपने स्क्रिप्ट खुद खेल सकती हैं। क्या आपको साइनोपोसिस पसंद है इस स्क्रिप्ट में? मैं आपके लिए ढूंढ सकता हूँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। क्या तुम्हारे पास कुछ है जैसे कि जाना पहचाना और एक्साइटिंग? वो आपको फास्ट पेस स्टोरी पसंद है। वेट, क्या तुम मोहन को जानते हो? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अननेम्ड स्क्रिप्ट कलेक्शन, आर्थर मोहन, प्रोड्यूस बाय ड्रीम टीम। ओह ये तो मोहन ने देखा है। शिट, ये ओह हैंग ऑन, ये स्क्रिप्ट सूटेबल नहीं है। ऑल राइट, इसे खोल लो। तुमने क्या कहा? बेब अलर्ट, स्क्रिप्ट अबनॉर्मली डिटेक्टेड। हाँ, स्क्रिप्ट इंटलाइजेशन कंप्लीट, प्लेयर अब फर्स्ट स्क्रिप्ट में पहुँचने वाला है। मैचिंग रोल, क्या फ्लोर टूट रहा है? नहीं ऐसा नहीं है, जो स्क्रिप्ट गेम वो स्टार्ट हो चुकी है। रोल आपने लिया है मैनर यंग मिस चाइल्डहुड का। ये बहुत सफोकेटेड फील हो रहा है। हाँ वेट, द मर्डर केस एट मैनर, एक्ट वन है चाइल्डहुड का, प्रोडक्शन है ड्रीम टीम, और आर्थर है मोहन। वेट, जो प्रोलॉग है ना वो ऑलरेडी बिगेन हो चुका है। बूम, जाग जाओ। ये कौन है? क्या तुम ठीक हो मिस? मोहन, क्या सच में तुम हो? उत्तरी, फ्लोर पे हिट, जो टचिंग सीन था ना फीमेल प्रोटैगनिस्ट का कि वो मेल प्रोटैगनिस्ट को जा रहा है, वो उसे पहचान नहीं गए, तो ये इतना ज़्यादा हर्ट हो रहा है। ये जगह कौन सी है? ओह मिस, आप फाइनली चक गई। आप ना स्टडी में बेहोश हो गई थी और हम आपके बारे में बहुत चिंता कर रहे थे। हमें मास्टर को इन्फॉर्म करना होगा कि आप जग चुके हैं। मिस प्लीज़ एक मोमेंट रुके। वेट, वो लड़का, वो कौन था मेरे साथ, वो कहाँ है? तुम कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं भाग गई? क्या मैं हूँ? मैं इतनी यंग हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं टाइम में मैंने ट्रैवल कर लिया है। मिस ड्रीम, आपने फोर्सफुली स्क्रिप्ट को ओपन करा था, फॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ मेजर हार्म्स नहीं है। क्या स्क्रिप्ट है जो मोहन ने लिखी है, क्या मैंने सिर्फ उसे खुद मिली थी जब मैं यहाँ आई थी? क्या वो अभी? मिस प्लीज़ शांत हो जाओ। डंजन मास्टर की तरह प्लीज़ मुझे अलाउ करो जो इस स्क्रिप्ट को आपको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। आपकी जो आइडेंटिटी है ना वो यंग मिसेस मैनर के, करंटली आप 12 साल के, अरेंज बाय द फैमिली, आप एक चाइल्डहुड फ्रेंड से एंगेज हैं यंग मास्टर से। जो वेडिंग है ना वो आपके 18th बर्थडे पे रखी जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली एक दिन एक प्योर कॉमन लड़की अचानक से आएगी और ऐसे लगेगा कि वो मास्टर की आधी है, मतलब वो उनके अदर हाफ सोल है। वो लड़की हमेशा उसे हर्ट करा जाता है। लोग कहते हैं कि इस तरह की काइंड इंटेंशन थी यंग मिस से, आउट ऑफ जेलसी, कि वो उसे सबक सिखा रही है। कोई भी ब्लेम नहीं करता था इस टीम यंग मिस को। जो फियांसे है ना वो उस मैरिज को उस दिन से ही नफरत करने लगा।
ये किस तरह की डेवलपमेंट है? क्या मैं मलिशियस सपोर्टिंग कैरेक्टर हूँ? बहुत साल बाद जो वेडिंग डे पे ना जो यंग मास्टर था वो उस लड़के को डायरेक्टली सीन पर लेकर आया। ये भी वो दिन था जो ब्रचो मर्डर मैनर में आया था। हाँ होली शिट, तुम्हारा जो करेक्टर का मिशन है ना वो है मर्डर को मारने से रोकना। मैं स्क्रिप्ट को नहीं खेलना चाहती, मैं क्वाइट करना चाहती हूँ। सॉरी कि आपने क्योंकि आपने फोर्स वाली स्क्रिप्ट को ओपन करा था, आपको ये गेम क्लियर करनी होगी वरना आपको पूरे दिन भर काम करना होगा जब तक डेथ नहीं आ जाती। क्या चिंता मत करो, तुम्हारा जो करेक्टर्स है ना वो थ्रिलिंग स्टोरी लाइन को फॉलो करता है। जो एक्सक्लूसिव स्क्रिप्ट हिंट्स है ना आपके करेक्टर के, वो एक्टिवेट हो चुके हैं। हाँ एटलीस्ट मुझे बताओ वो किलर कौन है। मिस वो कौन? आपके इंटेलिजेंस और टैलेंट के साथ आप बहुत जल्द ही किलर को पता लगा पाएंगी। होली शिट, मुझे तो यही लग रहा है। कौन ऐसे घुस गया? ये इसके पीछे क्या पकड़ रहा है? एक चाकू? हेल्प! ओ तो फ्लावर्स है। और ऐसे लगता है कि तुमने सच में अपना सर को बहुत जल बहुत ज़ोर से हर्ट करा था। हवा में बातें कर रहे हो अभी? हैं दूसरे कैरेक्टर्स मुझे नहीं देख सकते। ये वो नतीजा है विल को परेशान करने का। आई होप कि तुम इस सबक को याद रखो। ओह मैं करेक्टर की इंफॉर्मेशन आप देख सकती हूँ। ये करेक्टर है यंग मास्टर। ये इंसान यंग मास्टर है, मेरा फियांस है। करेक्टर यंग मास्टर मिस का एक फ्रेंड था जिससे वो इंगेज हो चुकी थी बचपन में ही। तुम दोनों परफेक्ट मैच थे, एक दूसरे के लिए ही बने थे जब तक उसके फियांसे उस कॉमन बर्थ की लड़की से ना मिले। ऑलराइट मैं ऑलरेडी जानती हूँ उसके बाद क्या हुआ था। इन दिस केस जो स्टोरी लाइन है मुझे एक विशियस सपोर्टिंग करेक्टर में टर्न कर देती है। ये लो मैं तुम्हारे फ्लावर्स तुम्हें वापस देती हूँ, तुम्हें और तुम्हारे फ्यूचर को हार्मोनियस लक देती हूँ। बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे ऐसे ट्रीट करने की? मुझसे भी माफ़ी मांगो। भूलो मत कि तुम्हारे ने मेरे लिए अटैच्ड है हमारे से है। ये बहुत अनोइंग है। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो मुझे ऐसे ऑर्डर दे रहे हो? तुम इसने कब से मुझसे ऐसी बात करना स्टार्ट कर दिया? ड्रीम उस करेक्टर को मिले रिमूव कर दो। ओह मेरे पास वो अवेलेबिलिटी नहीं है, मैं सिर्फ एक स्पेक्टर हूँ। अगर तुम कॉर्पोरेट को फाइनल एक्ट से पहले नहीं बना पाती तो तुम्हें यंग मास्टर से शादी करनी होगी। क्या? क्योंकि जो फाइनल एक्ट है ना वो तुम्हारे शादी के दिन होता है। अगर तुम कॉर्पोरेट को उससे पहले नहीं बना पाती तो तुम्हें स्क्रिप्ट का फॉलो करना होगा। प्लीज़ अपना बेस्ट करना। क्या इसका मतलब है तुम सच में मिलेशियस हो? मैंने तुम्हें पहले गलत समझा था, आज मैं वो थप्पड़ तुम्हें पर्सनली वापस कर रहा हूँ जिसे तुमने अनजस्टली परेशान करा था। कौन? मिस ने कहा प्लीज़ जाइए, प्लीज़ मुझे फॉलो करें। ये तुम हो? हाँ कितना अनफॉर्चुनेट है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मिस ये अच्छा है कि आप ठीक हैं, ये देखकर अच्छा लगा कि आप ठीक है। मैंने कुछ रिफ्रेशमेंट आपके लिए प्रिपेयर करे, क्या आपको अभी भी भूख लगी है? मिस करेक्टर बटलर। ओह माय, आप थोड़ा सा इंट्रैक्शन है मिस के साथ इस लाइफ टाइम में। क्या आपने कुछ देखा 6 साल बाद जो किलर है ना सब लोगों के इस मैनर में? ये जो आदमी मेरे सामने, तुमने क्या देखा मिस? मर्डर, ये मुझे फ्यूचर में मार देगा। कितना वियर्ड है किलरी, ये वो जाना पहचाना सा ही चेहरा है। एवन थॉट ये बहुत यंगर लग रहा है। सडनली ये एक स्ट्रेंजर की तरह है मेरे लिए। मजाक कर रहा था क्या? मैंने आपको डरा दिया? तुम्हारी जो टेरेबल पर्सनैलिटी है ना वो बिल्कुल भी बदली नहीं है। तो फिर मैं मिस का रेस्ट डिस्टर्ब नहीं करूँगा। वेट, हम फाइनली एक दूसरे को देख पा रहे हैं, भागने की सोचो मत। मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से ढूंढ रही थी, तुमने मुझसे क्यों छुपे? तुम्हारे पास कोई रिएक्शन क्यों नहीं है? मैं हमेशा से ही इस मैनर में था, ये सिर्फ यह है कि मैं यंग मिस को ज़्यादातर नहीं देखता। तुम अभी भी प्रटेंड करो कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं बिलीव नहीं कर पा रही, मैं इतनी इमोशनल थी अभी। ओह मैं समझ गया, अब तुम गिल्टी फील कर रहे हो राइट। मैं तुम्हें एक रास्ता बताती हूँ, मैं तुम्हें जाने दूंगी सिंस मैंने तुम्हारा हार्ड ड्राइव ख़राब कर दी थी और तुम्हें अगेंस्ट नहीं कर रही। वार्निंग, रियल लाइफ इवेंट्स है ना वो प्लेयर को मना कर रहे हैं किसी स्क्रिप्ट में मेंशन करने के लिए। मिस अच्छा फील नहीं कर रही, पनिशमेंट काउंट डाउन 10 सेकेंड।
मुझे ये हैंडल करने दो सर, जो दूसरे गेस्ट है ना वो यहाँ पर है और आपका टाइम पूछ रहा है, प्लीज़ जाइए और कंफर्म करें मास्टर के साथ। हाँ उसे जाने मत दो, मैं समझ गया, प्लीज़ मिस का ध्यान रखना। आह पनिशमेंट टाइम ओवर। मिस क्या आप ठीक है? ऐसे लगता है मुझे आपको बटलों के क्लोज नहीं रहने देना होगा, ये सच में बहुत स्कैरी है। नहीं मुझे बहुत टेरेबल फील हो रहा है, बट सब लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं उसके टुवर्ड्स, कितना अनफॉर्चुनेट है। मैं जा रहा हूँ। क्यों, वो कौन है? शायद मैंने ना अपना सर बहुत ज़्यादा बहुत और से हिट करा था और मैं थोड़ा कंफ्यूज फील कर रही हूँ, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो? मैं इसके बैकग्राउंड को नहीं जानती। ओ मिस, मिस की रिक्वेस्ट पे बिना किसी हेजिटेशन के आंसर दे रही हूँ, बट मैंने सुना था कि वो एक लड़का जो मास्टर ने बहुत सालों पहले ढूंढा था बहुत सारी डेड बॉडीज़ में, आँखें एक स्नेक्स की तरह थी, लोग उसे मिस ट्रीटिंग एनिमल की तरह ट्रीट करते थे। ये कहते हैं कि वो उसने भी लोगों को मारा था, बट बुरी चीज़ें होती हैं जब तुम उसके ज़्यादा करीब जाते हो। मिस आपको पहले की तरह ही एक्ट करना चाहिए, उसके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट मत करना। मेरी थोड़ी कम इंट्रैक्शन है उसके साथ इस लाइफ टाइम में। इस किताब की दुनिया में यहाँ पे कोई भी स्टोरी नहीं है जो इन दोनों को बिलोंग करती हो, तो क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? तुम्हारा जो मास्टरमाइंड है वो करंटली उसके स्क्रिप्ट प्ले कर रहा है और उसके ओल्ड फ्रेंड को नहीं पहचान रहा। मैं इसमें सच में उसे नहीं जानता, मैं सिर्फ एक ड्रीम हूँ जो ड्रीम सिस्टम ने जनरेट करा है जब ये गेम एक्टिवेट हुई थी, और मैं आपका एक्सक्लूसिव होस्ट हूँ और मुझे बाकी चीज़ें नहीं पता। हाउएवर मैं आपको ये बता सकता हूँ, जो फेसेस है ना स्क्रिप्ट करेक्टर के, वो बेसिकली क्रिएट गए हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेयर्स के अपेयरेंस पे। अगर यहाँ पे कोई भी प्लेयर नहीं है तो जो NPC अपेयरेंस है ना वो डेवलपर जो उसे इस्तेमाल कर रहा है जब बनाई जाती है, बट ये बटलर रियल है या ह्यूमन है ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। आपको अब जो करना है ना वो ये है कि उसे मारने से रोकना है और गेम को क्लियर करना है। ऑफ कोर्स ये मैटर करता है, मैं उसे इतने सालों से ढूंढ रही हूँ इसीलिए मैं यहाँ हूँ आज। मैंने इमेजिन करे थे बहुत सारे सीन्स उससे दोबारा मिलने के। मैंने सबसे ज़्यादा क्या डरा था कि मुझे लास्ट जो मैं देखना चाहती थी और मैं ही हूँ जो हमारी मीटिंग का इंतज़ार कर रही हूँ। तो तुम मुझे पहचानोगे नहीं? हाँ अगर तुम मुझे फेस टू फेस नहीं बता सकते, मैं भी तुम्हारे लिटिल ट्रिक्स के बारे में पता लगा सकती हूँ। मिशन, हमें मिशन भी करना है। हाँ ये वही होगा, कोई NPC नहीं। अब देखो मैं तुम्हें कैसे टॉर्चर करूँगी, तुम सिर्फ देखो। अगले सवेरे मिस जग गई, उसके स्पेशियस बेड पर उतरी। यार पूरा 4-5 जनों का खानदान इस पर सो जाएगा, और 80 मेट्स हर एक टावल और कंघा अपने हाथों में पकड़े खड़ी थी। ये इतने जाने पहचाने से लग रही है, सबका चेहरा ही एक है। उन्होंने मतलब बारी बारी करके मिस का ध्यान रखा और नहाने धुलाने के बाद वो कैरेज में घूमी पूरे एक घंटे के लिए और रेस्टोरेंट गई एक लग्जूरियस ब्रेकफास्ट के लिए। ओह नहीं वो भागी। मिस आपको अच्छे से खाना चाहिए। नहीं मेरी 80 मिनट्स उन्होंने मेरा फेस जब तक धोया जब तक इसमें दर्द ना होने लगा। ये स्क्रिप्ट कैसे दिखी गई है? मुहान, जब तक वो मान लेता है कि वो खुद ही मुहान है जो गेम है वो डेफिनेटली एंड हो जाएगी। हे रुको, 80 बटलर्स उनकी मॉर्निंग क्लीनिंग कर रहे हैं। मिस प्लीज साइड हटी। हाँ उत्तरी, वेट जाओ मत गार्डन। मोहन मछलियों से सबसे ज़्यादा नफरत करता है। जब तक मैं इस मछली का इंतज़ार यूज़ करूँगी उसे टेस्ट करने के लिए, सर जो गेस्ट है ना आपका रूम डोर पे इंतज़ार कर रहा है। ऑल राइट मैं वहाँ जल्दी आता हूँ। हाँ फॉर्चुनेटली उसने डिटेल लिया था और अभी तक गेट तक नहीं पहुँचा है। मुझे तुम्हें रेड हैंडेड पकड़ने दो। एक्सक्यूज़ मी, मैं जल्दबाजी में हूँ। वो ये तो विंडो से भाग गया। हाँ हर बारी वेट, तुम जा नहीं सकते। आउच, ऐसा लगता है कि यहाँ पे इनविजिबल फोर्स है जो मुझे उसके करीब जाने से रोक रही है। नहीं क्योंकि एक स्क्रिप्ट है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टोरी लाइन नहीं है मेरे और उसके बीच में। हम कभी भी एक दूसरे के रास्ते से नहीं गुजर सकते। ओ तेरी की, तुम क्या करी थी सवेरे सवेरे? तो जो मछली थी वो इसने इसके ऊपर फेंकी, फिर दूसरी पी।
जो भी मैं कर रहा था वो इससे कुछ इसका लेना देना था। यंग मास्टर की सॉफ्टनेट फिल्टर। हाँ ये ले लो, मैं यही नहीं हूँ, अपने पास ही रखो। तुम्हारे पास क्लीन कपड़े नहीं है क्या पहनने के लिए? कितने पेटफुल हो तुम, और तुम मेरे घर में अभी भी क्यों हो? थैंक्स टू समवन्स ब्लेसिंग। क्या हो गया बच्चे, क्या तुम्हारी मिस अभी चिल्ला नहीं रही थी? तुम्हें तुम्हारे मास्टर से बात करनी चाहिए जब तुम्हारे पास टाइम। उसकी जो रेपुटेशन है ना वो ख़राब हो रही है। ऑल राइट, मैं तुम्हें इस समय बोरा करूँगा, बट मुझे बहुत पैसा लगा है। नॉर्थ में पैदा होने के बाद जो ब्लड लाइन है ना वो टैलेंटेड है लोगों को मारने में। एज़ यूजल, क्लीन अप कर देना कोई भी पैस जो मेरे को परेशान कर रहे हो। सॉरी सर, यहाँ पे सच में एक बग था, और ये बेस्ट होगा अगर अपना मुंह बंद रखो तो, वो शायद तुम्हारे मुंह के अंदर घुस जाए। तुम मिस, आज उनके जो हेयर थे ना वो 2 सेंटीमीटर हायर बांधे गए हैं, और इस समय वो अभी भी बेड में होंगे। वो बहुत क्यूट लग रही थी, वो ग्लो में फेस था, और वो इतनी जल्दबाजी में थी। मुझे जल्दी से वापस आना होगा, ये तो क्रेजी है। मैं उसको पूरे दिन उसके करीब नहीं जा पाई। क्या पावर है ओरिजिनल वर्क की, ये मैं बाईपास कैसे कर सकती हूँ स्प्रॉट सेटअप से? जो यंग मिस है ना वो अभी 14 ईयर्स की होगी, तो जो बटलर होगा वो 17 का होगा, राइट? क्या, और यहाँ पे कुछ इतनी सारी चीज़ें क्यों हैं इस पर यंग बटलर को करने के लिए? वर्क शेड्यूल, घर का काम, हाउसकीपिंग, आउटगोइंग, रिसेप्शन, नाइट पेट्रोल्स। वो एक्चुअली नाइट पेट्रोल भी करता है क्या? एक थॉट गाय की तरह लगता है। मोहन वापस आ गया। ये बहुत अंधेरा है और बहुत ठंड लग रही है बाहर। ये कैसी आवाज़ है, क्या ये पानी की आवाज़ है? और जो ये ओल्ड वुडन फ्लोर को क्रैकिंग की आवाज़ है, जैसे कि पानी की आवाज़ तो टप टप टप, और ये फ्लोर की चर चर ऐसे दरवाज़ा खोलते वक्त नहीं आती वैसी आवाज़। ओह नो, मैं सांस नहीं ले पा रही, जैसे एक्सपेक्ट करा था। मैं नहीं कर पाऊँगी इस तरह की जो एनक्लोज स्पेस है ना जहाँ पे तुम कुछ नहीं देख सकते। होली शिट, मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं करा था कि मेरा काम फिनिश करने के बाद मैं कोइंसिडेंटली एक चूहे से टकरा जाऊँगा जो मैनर में घुस रहा था। मैंने लॉर्ड से ओल्ड मास्टर से बोलूँगा कि मुझे कुछ एडिशनल पेमेंट ऐड कर दे। बर्फ़ पड़ रही है, ये मैनर है जो ब्लिजार्ड में गायब हो गई थी। यहाँ पे एक फेमस अमीर मर्चेंट रहता था साउथर्न किंगडम में। बहुत सारे लोग वहाँ घुसना चाहते थे, और शायद बहुत सारे लोग वहाँ जाना चाहते थे और या फिर वहाँ घुसना चाहते थे। तो वो सबसे यूजलेस बेटा अपनी फैमिली का एक मैरिज अलायंस के साथ भेज रहे हैं, क्योंकि कहीं पे इस मैनर में जो ट्रेजर है जो नॉर्थ किंगडम का था वो बहुत कहीं छुपा हुआ है। ये कहते हैं जो ट्रेजर को ढूंढने की जो चाबी है वो मास्टर की प्रेशियस बेटी है। भूल जाओ, ये सही समय नहीं है अभी। प्लीज़ पेट्रोल करना मिस के रूम के आसपास मेरे लिए। मिस बहुत स्ट्रेंज एक्ट कर रही थी आजकल, ऑलवेज मूव्स, मतलब मूव्स करती हैं जब मैं कभी जैसे मैंने कभी नहीं देखा। मिस वो कभी भी रात के समय बाहर नहीं जाती थी। मिस मैं ग्लैड हूँ कि अब ठीक है। आप अचानक से बाहर क्यों आई इस बीच रात में? क्यों क्यों, कम ऑन, मुझे आपको आपके रूम में वापस ले जाने दो। इन ऑर्डर टू, ये सारी तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे तुम्हारे लिए इतना लंबा सर्च करवाया। अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता ना तो मैं इस स्ट्रेंज मैनर में नहीं रहती। मैं मोहन, मोहन कौन? वहाँ पे बहुत अंधेरा था और डरावना। मिस अब सब कुछ ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं डर रही। हाँ मैंने फाइनली तुम्हें पकड़ लिया। मिस मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? प्रोफेशनल फेक स्माइल। वेल, ध्यान से सब कुछ सोचने के बाद, क्योंकि हम दोनों ही यंग लेडीज़ हैं, शायद जो अपेयरेंस थी ना, ये जो मैनर यंग मिस की, वो ओरिजिनली मेरे ऊपर बेस्ड करी गई है। मिस का परफेक्ट डिडिक्शन। गाइस ये दोनों एग्जैक्टली सेम ही हैं, बस कपड़ों का ही तो फ़र्क है। मोहन शायद सोच रहा होगा जो करंट में हो ना वो सिर्फ गेम का करेक्टर है, सिंस हम कुछ कह नहीं पाते।
हमें उसे और हिंट देने होंगे ताकि वो समझे मैं हूँ लू मैंग जो अभी अभी आई है। मुझे किचन लेके चलो क्योंकि तुम इतने लेट वापस आए, मैं तुम्हारे लिए पर्सनली मिडनाइट स्नैक कुक करूँगी। हाँ हो तेरी, ये तो जहर बना रही है इमेजिनेशन। वाओ कितना अच्छा होगा, ये सारे मेरे फेवरेट फ्लेवर्स हैं। क्या ये तो नहीं लो, क्या तुम सच में हो? रियलिटी बूम मिस, ये कुकिंग इतना क्यों डिफिकल्ट है गेम में भी? मिस आप बिल्कुल भी कुक नहीं कर सकती राइट? अगर आपको मिडनाइट स्नैक्स चाहिए मुझे करने दो। मोहन ऐसा लगता है कि मेरे प्रेफर्ड फ्लावर जानता है फ्लेवर्स, आई होप ये मुझे सीख फील ना करवाए। और अगर इसकी बात करें तो जो यंग लेडी है मैनर की, जो स्नो क्राफ्ट मैनर, ऐसा लगता है कि मेरे पास इमेजिनरी स्टोरी है इसकी तरह। पहले से एक मैनर जहाँ पे जो स्नो के अंदर गायब हो जाती है, एक मिस्टीरियस ट्रेजर, एक ब्लडरी मर्डर केस। मिस आप कौन सा करेक्टर खेलना चाहेंगे? ब्लडरी? हाँ ऐसा लगता है मेरी याददाश्त में थोड़ी कुछ गड़बड़ी है। क्या मैंने ये अभी अभी कुछ याद करा कि ये तो नहीं मेरी जो रियल मेमोरीज हैं वो स्क्रिप्ट की वजह से धुंधली हो चुकी हैं? ओह माय, मैं इतना विकेट सपोर्टिंग रोल में क्यों जिसके पास कोई कनेक्शन नहीं है मोहन के करेक्टर से? ना ही कुछ एक्साइटिंग है ना ही फन है। कौन नॉक करा विंडो पे इतना लेट इस समय? वेट, क्या ये सेकेंड फ्लोर नहीं है? मैं फाइनली तुम्हें मैंने ढूंढ लिया डक्की। क्या ये किस तरह का मॉन्स्टर है? मोहन मोहन हेल्प मोहन आह स्ट्रेंज, वो भी किचन में ही था। बट क्यों यहाँ पे कोई भी आवाज़ क्यों नहीं है? क्यों इतनी आवाज़ आ रही है? ये शायद न्यूकमर होगा। आग खोने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम वापस आओ और मिस को ले जाओ? बट वेल मिस, किसके यंग मिस हो आप एग्जैक्टली? मैनर के पास झाड़ियाँ, कितना धीरे चल रहे हो। फाइनली तुम यहाँ आओ, मैंने तुम्हारा सिग्नल देखा था कि सक्सेस का और सोचा था कि तुम यहाँ जल्दी बाहर आओगे। इतने धीरे क्यों? मैं माफ़ी मांगता हूँ मास्टर। तुम इतने इंजर्ड कैसे हो गए? क्या वो बटलर वापस आ चुका है? मैंने स्पेशली उसे एक दिन के लिए भेजा था दूर। नहीं मुझे लाइटरिंग से कट लगा पैम, और से कहूँ मुझे, मैं गिर गया था और फिर बिजली कड़क गई और फिर वो ब्रांच पानी में गिर गई। मैं वुल्फ से बचते बचते आया हूँ, वो 2 माइल्स तक मेरे पीछे चल रहे थे। मैं लकी हूँ मैक्स तक, जो भी मुझे हार्म करने की कोशिश करें वो डिवाइन पनिशमेंट फेस करेंगे। क्या इसके अभी हॉट कर्ल हुए ऊपर? ये इम्पॉसिबल है, मैंने एक पावरफुल सेडेटिव इस्तेमाल करा था, यानी कि बेहोशी करने की दवाई। डरो मत, ये सिर्फ एक गेम है और कुछ भी नहीं, डरो मत। ऑल राइट तो चलो जल्दी से उसे लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास सेफली। शायद जो की है ना ट्रेजर को ढूंढना, वो इसी के अंदर कहीं छुपी होगी। ये बहुत क्लोज था, थैंकफुली अब मैं सेफ हूँ। सेफ, और फिर इसकी बॉडी को फाड़ देना और हर जगह सर्च करना अच्छे से, मीनिंग मास्टर को डराना कि वो बता दे कि ट्रेजर कहाँ पर है। बट वो ये बताए या ना बताए, जो यंग मिसन वापस नहीं जा सकती राइट? क्या व्हाट द हेल, कितना डरावना कितना डरावना कितना डरावना है। ओ नो नो नो, ये सिर्फ एक गेम है। हाँ इंजर्ड होना और मरना मैं दोबारा से स्टार्ट ओवर कर सकती हूँ, ये मैटर नहीं करता। तुम भागोगी नहीं? हाँ ओ आ ओ तेरी, झाड़ियों में गिर रही है, इसे यहाँ भी लेकर आओ। ओके जो फॉरेस्ट है ना मैनर के बहुत पास है और बहुत स्पीकी है, एक बार जब फॉग्स आ जाती है ना तो कोई अंदर बहुत ईजली रास्ता खो देता है। मैं बेटर है कि मैं अभी चला जाऊँ, अगर हम अभी प्रोक्रास्टिंग करते हैं तो शायद कुछ सच में हो जाए। हाँ और वो जो बटलर है ना इतना स्मार्ट नहीं था जितना मैंने सोचा था, डिस्पाइट इतने सारे लोग यंग मिस को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने इतना ईजली मैनेज कर लिया उसे करने का। वेल हंटिंग गेम इन्जॉय करना है फुलेस्ट तक, एज अ हंटर मुझे सिर्फ वेट करना है सीन्स के पीछे और प्रे करना है कि वो बैट ले लूँ। माई कैस्ट, क्या मैं आपका स्कॉट करूँगा? होली शिट, मैं आपको जल्द ही बचाने आऊँगा, बट उससे पहले प्लीज़ थोड़ा और डरिए मिस। हाँ ऐसा लगता है कि मुझे अभी तक ढूंढा नहीं गया।
ये सिर्फ गेम ही है, सिर्फ गेम ही है, ये इस गेम नहीं है, ये दर्द हो रहा है। मैंने कभी भी ऐसा इंजस्टिव रियल वर्ल्ड में भी एक्सपीरियंस नहीं करा। मैं गलत थी, मैं मर नहीं सकती। डैम इट, ये सारी की सारी मुहान की वजह से है। हाँ, ये बर्फ़ पड़ रही है। ओ नो, जो फॉग है ना वो और ज़्यादा थिकर हो रही है। मुझे जल्दी जाना होगा। मुझे जब से याद नहीं आ पा रहा, मैं स्पेशली डरती थी अंधेरे में खोने से। जो फॉग है ना और डार्क हो चुकी है, मैं रास्ता बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पा रही। मैं फिर से कहाँ जाऊँ, मैं सांस भी नहीं ले पा रही। ये बहुत डरावनी है अंधेरा। जब डर एक एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुँच जाता है, जो आंसू है ना वो फिर आना बंद नहीं होता। एक्चुअली क्या ये डर की वजह से है, और या फिर वो जेन्यून सोरो, वो उस दुख की वजह से जिसकी वजह से आंसू गिर रहे। मैं इनमें डिफरेंट नहीं बता सकती। अब मुहान तुम अचानक से गायब क्यों हो गए, और फिर स्क्रिप्ट में कैसे आए? तुमने मुझे इग्नोर भी करा। क्या सच में मुहान नहीं है? मैंने अभी अभी रियलाइज करा। उसकी लालटेन क्या रियल डेंजर मैं फेस कर रही हूँ, जैसे कि स्वीट प्रजर्व होती है अचानक से और फॉरेस्ट में आ गई है। एक ये ट्रैप है उसके प्रे को पकड़ने का। ये अट्रैक्ट करेगा लॉस्ट और हंग्री रैबिट को। ये अट्रैक्ट करेगा वुल्फ्स को, रेडी करने के लिए कि वो उस रैबिट का हंट करें। जानता था कि तुम लाइट सोर्स की तरफ भागोगे। ये कुछ ज़्यादा नहीं है एक बच्चे की बॉडी को हैंडल करने के लिए। नहीं, बड़े होने की तरह भी मैं इस करंट फ्लेन को हेड ऑन हैंडल नहीं कर सकती। तो ये जो ट्रैप है मुझे इसमें कदम रखना ही होगा। मेरी मदद करो बटलर। शट अप, उस आदमी को मेंशन भी मत करो। कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। ओह नो। हाँ डैड, मुहान। गुड गर्ल, देखो मत। सॉरी मैं लेट हूँ। कौन वो इंसान था जिसको तुमने अभी बुलाया? क्या कोई इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए? ये कोई है जिसे मैं बहुत लंबे समय से ढूंढ रही हूँ बट अभी तक ढूंढ नहीं पाई। शायद ये कोई है मेरे सपनों में से। मुझे घर लेकर चलो। वाओ, कोई अभी भी जिंदा है? मुझे अपना हाथ दो, मेरे साथ घर चलो वापस। ये वो फर्स्ट टाइम था और वो लास्ट टाइम मैं इतना क्लोज था यंग लेडी के। इंस्टेंट में पोजेसिवनेस क्रेजीली बढ़ी गई उस पॉइंट तक कि ये ओवरशैडो हो गई। वो जो हार्टेड था उस मैस्कर कैरेट के टूवर्ड्स, उस साउथर्न लोगों की तरफ। मैं ग्लैड हूँ जो इंस्ट्रक्शन था ना आपके साथ फिर से है मिस। इनटेंशनली मैंने प्लान करा था कि मैं दूर से ही देखूंगा जब तक वो डिज़ायर कंप्लीटली चलाने जाता, और फिर मैं आपको मार दूंगा। आफ्टर ऑल जो वो ट्रेजर है कि तुम साउथर्न लोगों ने लिया है वो इम्पोर्टेंट है। मैं किसी को तुम्हें जब तक हार्म करने नहीं दूंगा जब तक मैं ट्रेजर को नहीं ढूंढ लेता। बट अभी जो डिज़ायर है वो फिर से बड़ा हो चुका है। मैंने इंटेंशनली प्लान करा था कि आपको सफ़र करवाऊँगा और रुलवाऊँगा मेरी हेल्प के लिए, आपको मुझ पर और ज़्यादा डिपेंड करवाऊँगा। बट तुम्हें हर्ट देखते हुए ये मेरे लिए भी बहुत हार्ड है ये सब सहना। जो इकलौता तुम्हें हर्ट कर सकता है वो सिर्फ मैं हूँ। तो इस समय तुम्हें ये कॉन्शियस सहना होगा मुझे घर लाने का। ओह माँ, ये क्या था? सुबह ने मैंने सुना था जो अनरूली यंग मिस है ना वो ऑलमोस्ट किडनैप हो चुकी थी। हाँ सही है तुम्हारे लिए, बट उसका फैंस होने के नाते मुझे अभी भी मेरी ड्यूटी पूरी करनी होगी मेरी फैमिली मिशन के लिए। अगर ये सिर्फ शो के लिए नहीं होता ना, अगर ये शो के लिए भी है मुझे जाके उसे कंफर्ट करना होगा। मैंने सुना था कि तुम किडनैप हो गए तो मैं तुम्हें स्पेशली देखने के लिए, प्लीज़ इसे रिसीव करो अपने ग्रैटिट्यूड के साथ। कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। तुम इस लड़के से सुबह सुबह मिलना सच में मेरा मूड ख़राब कर दिया।
मेरे पास कोई इंटरेस्ट नहीं है उस इंगेज मैन से और उसकी लेजिमेट फीमेल लीड से। तो जैसा कि ड्रीम ने कहा था, इस गेम को छोड़ने से पहले एक्ट थ्री से मुझे बटलर का दिल जीतना होगा, बट वो एक यंडेयर है, मैं क्या करूं? पर मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड होते जो मैंने इतने सारे नॉवेल्स पढ़े हैं। भागो। हाँ मैं समझ गई, शायद तुम बहुत मैथ्स में होगी और फील एम्बेस फील कर रही होगी मुझे देखने के लिए, है ना? ये ठीक है, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये इडियट अभी भी यहाँ क्यों है? ओ बाय द वे, मुझे तुम्हें बताना है, मेरे पास ऑलरेडी एक डांस पार्टनर है स्कूल बॉल के लिए। तो अपने डैड को परेशान करना बंद करो और मुझे तुम्हें चूज़ करने दो। स्कूल? मेरे को इस दुनिया में भी स्कूल जाना है? हर साल जो प्रेस्टिज साउथ और नॉबल्स स्कूल्स है ना, एक प्रॉम होल्ड करता है। ये मोस्ट आई कैचिंग डे होता है, क्योंकि जो प्रॉम है ना वो प्रिंसिपल से रिवॉर्ड हासिल करता है। ये जो प्राउड इंट्रोडक्शन आती है यंग मास्टर का, मैंने रफली समझ गई थी जो सिचुएशन है स्कूल की। बहुत वो और मैं दोनों ही स्टूडेंट्स हैं साउथ और नॉबल्स स्कूल्स के। करेंटली ये वेकेशन है और जो यंग मास्टर है वो टेम्पररी मेरे घर पर रह रहा है ब्रेक के दौरान, और मैं करेंटली ग्रेड में लोअर हूँ। जो यंग मास्टर है उसके पास हायर ग्रेड है। क्या सरप्राइज है कि वो जो बटलर है ना वो भी हायर ग्रेड में। शायद ये मेरे फादर की वजह से, कि उन्होंने कन्वीनियंट सोचा कि वो मेरा अच्छे से ध्यान रखेगा और इसे अरेंज करवा दिया वहाँ पर। एडिशनली जो लेजेंडरी टू फीमेल लीड है ना, वो भी सेम ग्रेड मेरी तरह में आई है सपोर्ट ऑफ द यंग मास्टर की वजह से, और वो ही है जिसे उसने डांस पार्टनर के लिए सिलेक्ट करा है। तुम्हारा जो प्रैक्टिकल स्कूल है बहुत कैजुअल है, कोई कैसे अटेंड कर सकता है? हाँ, और मेरे पास कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे चीज़ों में स्कूल की तरह। मिस, आप फाइनली बाहर जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, हम आपको तैयार करने में असिस्ट करने दें। बहुत अच्छा है कि मिस आप जल्दी रिकवर कर रही हैं। मैं सोच रही थी ये 80 मिनट जो यूजली मेरी मदद करते हैं तैयार होने में कहाँ गई। जैसा मैं सस्पेक्ट करा था, वो मेरा बाहर इंतज़ार कर रही थी। क्या तुमने देखा बटलर कहाँ गया है? ऐसा लगता है जो मास्टर है ना उसे बुलाया है ताकि वो एक पोर्ट्रेट बनाए उस बैंड चोर के जो पकड़ा गया। देन प्लीज़ उन्हें बताएं कि लेट नाइट स्नैक्स है ना वो मेरे रूम में डिलीवर करें। हाँ, दरवाज़ा मत खोलो, बंद करो। ये इंसान मेरे फियांसे राइट, ऑल थॉट मैं इसे पसंद नहीं करता, ये मेरे फियांसे राइट। ये रात हो चुकी है, अगर मेरा गेस करेक्ट है तो जो स्क्रिप्ट है ना यंग मिस की, वो कभी भी बाहर नहीं जाती रात के समय, उसे उसके पास तो रात का सीन भी नहीं है। तो जो रात के समय स्क्रिप्ट मुझे कैद नहीं कर सकती। ओके, ये ठीक है, मैं ये अपॉर्चुनिटी लूँगी ताकि क्विकली बटलर को मेरे प्यार में करवाऊँ। यंडर से डील करना, मुझे सिर्फ उसे सेंस ऑफ सिक्योरिटी देनी होगी। उसे समझने दो, मैं फाइनली समझ गई, मैं उसे सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। एक्चुअली जब मैंने तुम्हें फर्स्ट देखा था, मैंने डिसाइड करा था कि तुम ही हो मेरे लिए इस लाइफ टाइम में। इन सारे सालों में तुम्हें तुम्हारे पास नहीं जा पाई क्योंकि मैं थोड़ी शाय थी। मैं अपने फादर को कन्विंस करूँगी कि वो एंगेजमेंट तोड़ दें। अगर ये सब फेल हो जाता है तो मुझे तुम्हारे साथ फ्यूचर में भागने दो। ये रिड्यूकलस है। और मेरे पास ये फ्लावर भी क्यों है? क्या प्लेबॉय ने मेरा दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया है? जो बटलर है ना वो यंग मिस को पसंद करता है स्क्रिप्ट की, तो मुझे रोल अच्छे से प्ले करना होगा। अगर बटलर को पता लग गया तो शायद मैं मर सकती हूँ। क्लियरली ये सेम फेस है, मैं उसकी यंग मिस नहीं हूँ। क्लियरली ये सेम फेस है, तुम वो क्यों नहीं हो? ये बटलर अभी तक क्यों नहीं आया? वेट, मेरे अंदर हिम्मत नहीं कि बाहर जाके ढूंढूं, ये बहुत बहुत डार्क होगा बाहर। ये बहुत लेट है, प्लीज़ लेटनेस स्नैक्स प्रिपेयर कर दो, मुझे थोड़ा भूख लग रही है, मेरे रूम में डिलीवर करो। यहाँ पे इतना अंधेरा हो रहा है, बटलर कहाँ गया? इन द एंड मैं अपने रूम में रुक नहीं पाया और उसे ढूंढने के लिए आ गई। ओ यहाँ से रुक ही नहीं रहे, मैं बहुत ईजिली डर गई थी और रोना स्टार्ट कर दिया। क्या कोई वहाँ पर है? वहाँ पर कभी बात करें, मेरे रूम में डिलीवर कर दो। हाँ, ये दो लोग यहाँ क्यों हैं? उसने बटलर से बोला था कि लेट नाइट स्नैक्स बीच रात में उसे डिलीवर करना चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ वो चिकी गर्ल मेरे पीछे क्या कर रही है। उत्तरी सोच रहा है इसे कैसे मारो। उत्तरी मुझे स्वीट चीज़ें पसंद नहीं है, याद रखना अगली बार इसे लीक
नदी में डुबाऊं या फिर इसे जिंदा गाड़ दूं। ऑल थॉट ये यूजलेस है, ये अभी भी यंग मास्टर है नोवल फैमिली का नॉर्थन किंगडम से में से, और या फिर मैं इसे यहाँ मैंशन में ही काट दूं और फिर आग लगा दूं अभी के अभी। वेट थॉट, मुझे नहीं पता ये फ्लोवे क्या चाहता है। कौन ऐसी फॉलिश चीज़ें यंडर के सामने मत करो, मैं तुम्हें मेरे लेटनेस स्नैक्स टच करने नहीं दूंगी। हाँ तो ये सच में लेटनेस स्नैक्स चाहते थे, इसे बटलर को बीच रात में क्यों ढूंढने था किसी और के बजाय। तुम बहुत स्ट्रेंज एक्ट नहीं करें, तुम मुझे सब कुछ देती थी जो भी मैं चाहूँ, अब तुम ऐसे कर रहे हो। स्ट्रेंज, मुझे रिलीव क्यों फील हो रहा है कि ये तो नहीं कि तुम्हें किसी ने पोजेस्ट कर रखा है और या फिर एक डायमंड तुम्हारे अंदर घुस गया है। जाओ जाओ, पहले की तरह मुझे प्लीज़ करो। जो मिस है ना वो सेट करिए स्वॉन्स यंग मास्टर के, जो बटलर है ना वो यंग मिस को स्क्रिप्ट को पसंद करते, तो मुझे ये रोल अच्छे से खेलना होगा। मैं बटलर को नोटिस नहीं करने दे सकती कि कुछ अनयूजल चीज़ हो रही है, मुझे भी सैड फील हो रहा है। मैं हमेशा ही तुम्हारे बारे में केयर करती थी, सोचती थी अगर मैं तुम्हारी तरफ अच्छी रहूँगी तो तुम भी मेरा ध्यान रखोगे। क्या तुमने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि वो तुम्हारी डांस पार्टनर बनेगी? ऐसा लगता है क्योंकि मैं यंग मास्टर को पसंद करती हूँ, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब मैं ये सब नहीं सह पा रही और आखिर में मैंने हार मान ली। ये यंग मिस के लव सिकनेस सेटिंग्स को वॉलेट नहीं करते नहीं मैं, और ये एक्सप्लेनेशन देता है मेरे स्ट्रेंज बिहेवियर के एक आउटसाइडर के सामने। और फिर बटलर, क्या तुम डांस कर सकते हो? बटलर एज अ असैसिन कस्टमर, उसके शैडो में छुपना है। बटलर की इकलौती याददाश्त में उसने एक डांसर के साथ आया था, सोलो डांस कर रहा था, उसके साथ एक असैसिनेशन मिशन था। ये ब्राइट स्टेज पर चलने से बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगी मेरा डांस पार्टनर बनना बॉल के लिए। ओरिजिनली मैं तुम्हें मेरे रूम में पहले इनवाइट करना चाहती थी ताकि मैं तुमसे प्राइवेटली डिस्कस करूँ इसे पब्लिक करने से पहले। मुझे अकेला छोड़ना, शैडो में छुपना, मैं तुम्हें स्टेज पे लेकर आऊँगी। ये एक एक्सप्रेशन होगा मेरे प्यार का तुम्हारे लिए, बट अब मुझे सच में तुम्हारी ज़रूरत है। ये पनिशमेंट भी है। श्योर, तो मैं आप पे भरोसा करूँगा मिस कि आप मुझे अच्छे से सिखा सकें। जब हम रूम में होंगे ये सिर्फ हम दो ही होंगे। मैं श्योर नहीं हूँ कि डर है या फिर कोई दूसरे इमोशन से। वेट, ये कुछ ज़्यादा ही क्लोज है। आफ्टर ऑल ये फेस एग्जैक्टली उसकी तरह लगता है। भूल जाए, बहुत लेट हो चुका है आज, चलो किसी और समय करते हैं। ये ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है, अगर तुम मुझे नहीं पकड़ोगे तो कोई भी तुम्हें नहीं बचाएगा। रुको, तुमने उसे ऐसी प्रॉमिस कर दी उसके डांस पार्टनर बनने का, बट तुम सिर्फ एक सर्वेंट हो, एक अनाथ हो जिसके पास कोई भी नहीं है इस नॉर्थ में और कोई भी नहीं चाहता। अपनी आइडेंटिटी से माइंडफुल रहो। यंग मास्टर, ऐसा लगता है आपने कुछ गलत समझ रखा है। ऐसी स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? जो ग्लोरी है और जो वेल्थ है ना आपकी फैमिली की, ये आती कहाँ से है? एक नोबल चोर है साउथ से। क्या ये उस इंसिडेंट के बारे में जानता है? ये दर्द हो रहा है अभी भी नहीं छोड़ रहा। तुम्हारी ग्रिप इतनी कैसे, इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है? ये मेरे हाथ को तोड़ सकती है। कितना डरावना है। अगर तुम ये चाहते हो इसे ले लो, वो मेरा बटलर है बहुत सालों से, और ये एक ऑर्डिनरी सर्वेंट से बहुत ज़्यादा है। तुम्हारे पास वो हक नहीं है कि तुम इससे ऐसे बकवास करो। जो बटलर है वो नॉर्थ से है, राइट? वो हमेशा से ही अकेला है। मैंने इसकी आइडेंटिटी पहले चेक नहीं करी कि ये। वेट सर, जो रूम है ना वो डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहा है। सर, क्या ये कोई दूसरा विलन तो पास नहीं है? क्या यंडर मुझे फिर से छोड़ने का प्लान कर रहे हैं? हाँ, वेट, जाओ मत, यहाँ पर आओ। ये क्या फीलिंग है कि ये मुझे मैनिपुलेट कर रहा है? सिंस हम एग्री कर रहे हैं कि हम डांस करेंगे तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी मेरे साथ हर दिन अब से। ये बहुत लेट हो चुका है, तो चलो इसके बारे में सोचते हैं। ओह, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं आपके साथ इस एक्ट में कोऑपरेट करूँगा। मिस, आपको सच में ये प्रोवोकेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं यंग मास्टर पे। फ्यूचर ऑफ इस फैमिली का फ्यूचर के लिए जो यंग मास्टर है ना, सिर्फ आपसे ही मैं शादी करेगा। आपको सिर्फ इंतज़ार करने की ज़रूरत है। हाँ, कौन उसे शादी करना चाहता है? मैं मर जाऊँगी अगर मैंने शादी कर ली तो। नहीं,
क्या ट्रेजर है तुम्हारे दिल में उस प्यार से ज़्यादा वैल्यूबल है? क्या तुम यंदार पॉजिटिव नहीं हो? तुम इसके लिए फाइट क्यों नहीं कर रहे? वेट, क्या होगा अगर मैं जानती हूँ वो ट्रेजर कहाँ है? मैं इसमें आपके साथ ट्रेजर हंट नहीं खेल रहा, मैं चाइल्डिश नहीं हूँ। मैं ऑलरेडी जानती हूँ तुम्हारा वो पर्पज़ इस मैनर में रहने का, वो ट्रेजर वापस लेना है और तुम्हारे होमलैंड लेकर जाना है, राइट? जब तक हम मर्डर के सपोर्ट कर सकते हैं, तुम जो चाहे वो ले सकते हो। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मेरी मदद करोगे? मैं ऐसा लगता है कि आपने सिंगल ट्रुथ अभी तक बताया ही नहीं है। और तुम एग्जैक्टली हो कौन? तुम अचानक से मेरे क्लोज क्यों आ रहे हो? और अब तुम मुझे अकेले दोबारा छोड़ना चाहती हो? तुम एग्जैक्टली चाहती क्या हो? मुझे जवाब दो। क्या ये मुझे बहुत पहले से सस्पेक्ट कर रहे थे? कितना डरावना है। मैं क्या करूँ? मुझे ये मार देगा। हाँ, इसे डिस्ट्रॉय होने दो। मैं इस गेम में क्यों इन्वॉल्व हुई और अपनी लाइफ इस मोमेंट में रिस्क कर रही हूँ? वो इंसान नहीं जिसे मैं ढूंढना चाहती थी, बट मैं यहाँ से अभी नहीं जा सकती। शायद तुम्हें लगता है कि मैं वो सेम मिस नहीं हूँ जो तुम्हें याद है। मैं अभी वो रोल प्ले करने के लिए तैयार हूँ जो जिस लड़की को तुम चाहते हो। तुम्हारे बिना मेरे पास सच में कोई नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकूँ। अगर तुम्हें ट्रेजर चाहिए, मैं तुम्हारे लिए ढूंढ सकती हूँ। तुम एग्जैक्टली सेम क्यों उसकी तरह? क्या तुम थोड़ा मेरी तरफ नाइसर नहीं हो सकती? नो प्रॉब्लम, मैं वही करूँगा जैसा तुम कहोगे। हाँ क्यों, अचानक से क्यों? सिर्फ मजाक कर रहा था। मैं अभी भी मेरे से मैं आप पे बिलीव करता हूँ। मैं क्यों मना करूँगा अगर आपकी मेरी ज़रूरत है तो? फिर से मजाक करा? क्या तुम सिंगल ट्रूथ एक सेंटेंस में बता सकते हो? और थोड़ा इसने कोई फोर्स यूज़ नहीं करी जब मुझे पिंच कर रहा था। ये सिर्फ क्या इमेजिनेशन थी? ये अचानक से बेटर मूड में क्यों हो गया? क्यों, बट ये मैटर नहीं करता अब। तो मुझे मैं सस्पेक्ट नहीं थी। जब तक मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ वो रोल मिस का, मैं उसे यूज़ कर सकती हूँ बिना किसी इमोशंस के। ये ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, मुझे आपको आपके रूम में वापस छोड़ने दीजिए। हमें ये जो प्लान है ना, कहीं और प्राइवेट में डिस्कस करना चाहिए फ्यूचर में। यहाँ पे बहुत सारा टाइम है आगे। मैं हमेशा ही वहीं रहूँगा मिस, हमेशा ही वहीं तुम्हारे लिए मिस। ओके, कोई क्रूल उसकी तरह उसके पास ऐसी जेंटल साइड हो सकती है? हाँ, और रूम में आने के बाद, हाँ तुम अभी भी जिंदा हो, सच में अनबिलीवेबल है। मुझे लगा था कि तुम बहुत बारी मरने की कोशिश कर रहे हो मेन स्टोरी का प्रोग्रेस होने से पहले ही। ऐसा लगता है कि तुमने किलर का ट्रस्ट कम्प्लीटली ले लिया है। तुम्हें इतना मतलब अब आना क्यों याद रहा इतनी देर के बाद? हाँ यू शेटी सिस्टम, हे ऐसा मत करो। मैं सिर्फ जब ही आ सकता हूँ जब स्क्रिप्ट प्रोग्रेस करती है। एनीवे तुमने चूज़ कर लिया उस किलर के साथ टीम अप करना? जो स्क्रिप्ट है उसने गाइडेंस अरेंज करी है, गाइडेंस डार्क तुम्हारे चॉइस पे बेस्ड करते हुए इन कंप्लीट करते हुए तुम मैक्सिमाइज कर सकते हो तुम्हारा चांस ट्रेजर को ढूंढने के लिए। डी लेवल टास्क ऑर्गेनाइज द वार्ड ऑफ, सी लेवल मिशन है फिमरस, घर उसके घर से आप मतलब घर के रास्ते को अच्छे से जान लो। हमें ये सब कोई ज़रूरत नहीं सब करने की, मैं जैसा चाहे वह कैसे कर सकती हूँ, तुम जानते हो ना। बट जो कंप्लीटिंग होगा ना इस टास्क को करने से पहले एक रिवॉर्ड भी मिलेगा। जैसे कि रिवॉर्ड मिलेगा तुम्हें सेल्फ क्रिएटेड प्लॉट लाइन, चाहे तुम कितने भी घटिया चीज़ें करो। एनीवे एंड में ये सारी मेमोरीज इरेज कर दी जाएंगी। क्या मैं एनपीसी को यूज़ कर सकती हूँ स्क्रिप्ट में? ऑफ कोर्स। बाय द वे, क्या तुम सच में बटलर के क्लोज जा रही हो? ग्रेट, वो बहुत डेंजरस हो सकता है, तो केयरफुल रहना कि वो तुम्हें पागल ना बनाए। उसकी आंखों में मैं मिस हूँ, लूमेंग नहीं हूँ, जिसके बारे में वो केयर करता है सबसे ज़्यादा। क्या होगा अगर वो तुमसे शुरुआत से ही झूठ बोल रहा हो? क्या उसे बेनिफिट मिलेगा मुझसे झूठ बोलने का? जब तक एज अ यंग लेडी मैंने ऑलरेडी एक्सप्रेस कर दिया है मेरा पूरा दिल भरा सपोर्ट उसके लिए। वो एग्जैक्टली वो चाहता है। यहाँ पे क्या है कि वो मुझसे झूठ बोलेगा? आई होप सो। हाँ, प्रायरिटी इन्वेस्टिगेशन मिशन रिकमेंडेशन, ये लड़की सेम समय पे। मास्टर अब फाइनली अपने रूम में आ गए। आप कहाँ थे इतने लेट? जो लड़के का लेटर है ना आ चुका है, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था ये आपको देने के लिए। मास्टर यहाँ पे लेटर है, मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ क्या मास्टर ने लेटर रिसीव कर लिया होगा? उसने मेरे मैसेज को आजकल रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे? ओह नो, आई होप कि यंग लेडी है ना इसे नहीं देखेगी और लेकर ना चले जाए फिर से। ये सारा मास्टर का ही शुक्रिया है कि वो मेरी तरफ इतने अच्छे हैं, जिसकी वजह से यंग लेडी इतना गलत समझ रही है। मुझे ना यंग लेडी से खुद ही माफ़ी मांगनी होगी। ये डी लेवल टास्क है अपने कपड़ों की अलमारी को ठीक करना। हाँ, इस अलमारी को इन्वेस्टिगेट करने से क्या अच्छा मिल सकता है? क्या ट्रेजर यहाँ पे तो नहीं छुपा?
ऐसा लग तो नहीं रहा, ये वाला पीस अच्छा लग रहा है। मैंने कभी भी नहीं डिफरेंट कपड़े ट्राई करने का नहीं सोचा था। हाँ बुक साउथर्न गर्ल्स ट्रू लव कवर इमेज एक एनवलप में छुपी हुई थी क्या, ये किसी ने मुझे भेजी थी? कौन? यहाँ पे एक स्मॉल बुक भी अंदर टेल्स ऑफ द नॉर्थ। वेल रिकॉर्ड के हिसाब से जो पॉपुलेशन है नॉर्थ की वो स्कैर्स है और जो लोग हैं वहाँ के वो यूनिक, उनके पास फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पेशली वो कॉम्बैट में बहुत अच्छे हैं। हावर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जो लोग हैं ना नॉर्थर्न के, उन्हें एक कर्टन एग्रीमेंट फॉलो करना होगा सर्वाइव करने के लिए। थॉर्स जो लेजेंड है वो पैदा हुआ, लेजेंड ये कहते हैं जो गॉड ने उसे क्रिएट करा था, वो ब्लड थर्स्टी ब्लड पीपल ऑफ द नॉर्थ, और उन्हें एक रीज़न भी दिया था कॉन्ट्रैक्ट। जो रास्ता वो रास्ता था नॉर्थ ने साइन करते थे कॉन्ट्रैक्ट, ये था कि वो उन्हें एक रिंग देंगे उस कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ने के लिए। उसे क्या ये की पार्ट जरा हुआ क्यों है? तो इसका मतलब है जो बटलर है अब वो कॉन्ट्रैक्टर है मास्टर के साथ। ऐसे जो मास्टर है मेरा फादर, वो कैसा लगता है? मैंने उसे अभी तक नहीं देखा। हे जल्दी करो जल्दी। एनीवे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ले ली है, जो की है वो अनकवर है। जो क्या दिया गया है डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये एक आइटम होना चाहिए। क्या ये ट्रेजर है? जो टी है ना वो रेडी है, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे टेस्ट का सूट करेगा। इतनी आवाज़ आ रही है बाहर, क्या हो क्या रहा है? मैंने तुम्हें बोला था मुझे डिज़र्ट खाना पसंद नहीं है, तो तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत? हाँ ट्राई करो, ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए प्रिपेयर करी है। कुछ हॉट टी पियो। वाओ आप सबका शुक्रिया, ये मोस्ट डिलीशियस टी टाइम स्नैक्स है जो मैंने अभी तक खाए हैं। हाँ मिस आप इतनी जल्दी क्यों हैं आज? हाँ मिस ये बहुत समय हो गया, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं अचानक से आपसे मिलने आई बिना किसी नोटिस के। ये अपीयरेंस क्या ये ओरिजिनल हीरोइन नहीं है जो कल की बुक से? मिस जो औरत है ना अचानक से मैनर में आ गई और इन्होंने उसे ऐसे ही घुसने दिया। मैं ओरिजिनली सिर्फ प्लान करी थी कि मैं यंगस्टर का दरवाजे पर इंतज़ार करूँगी, बट सब लोग यहाँ काइंड हार्टेड थे और मुझे अंदर घुसने दिया। हाँ ये सिर्फ क्यूरियोसिटी का ही मैटर है, तुम हमेशा ही एडवांटेज लेते हो बटलर के एब्सेंस का, यंग मास्टर को प्लीज करने का बिना किसी नेसेसरी मीन से। जो यंग मिस है ना और यंग मास्टर का फ्यांस है वो मिस्ट्रेस है मैनर की। नहीं मिस, क्या आपने अपना ब्रेकफास्ट करा? हमने ये आपके लिए स्पेशली प्रिपेयर करा था, बट हमारे पास टाइम नहीं था कुछ और प्रिपेयर करने के लिए क्योंकि ये गेस्ट अचानक से आ गया। पहले कुछ टी पी लीजिए। होली शिट, अगर तुम मुझे इतना ज़्यादा पसंद करते हो तो तुम जाके इसके घर पर क्यों नहीं सर्व करती इसे? मैं मास्टर से इसके बारे में बोलूँगी। आफ्टर ऑल तुम इतनी काइंड हार्टेड हो, बिना सैलरी के भी तुम एक घोड़े की तरह काम करने के लिए तैयार होगी राइट? यंग मिस हाँ नहीं, इसकी वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी में थी यंग मिस को देखने के लिए कि मैंने इनसे बोला कि मुझे अंदर आने दो। ये सारी मेरी गलती है, उन्हें ब्लेम मत करो। यंग मिस मुझे लगता था कि परेशान करना सिर्फ एक अफवाह थी, हम ये आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। अगर आप इसे परेशान नहीं करते ना तो यंग मास्टर आपको रिजेक्ट नहीं करते। हम इस स्टेज के ऑपरेशन को रिस्टोर कर रहे हैं ताकि जो यंग मास्टर है ना वो अपना माइंड बदल लें। तुम यंग मास्टर से जाके ऐसा बकवास नहीं करोगी ना? मैं बिलीव करती हूँ कि तुम एक रेपुटेशन अपने रखना चाहते हो कि तुम बहुत अच्छी हो, मतलब बहुत बुरी हो दोबारा से राइट? उत्तरी बटलर तो प्रिपेयर है। नहीं मैं डेफिनेटली मास्टर को बताऊंगी। क्या तुमने वो सुना नहीं जो मैंने कहा? तुमने जो कहा था वो सही था, सिंस ये गेस्ट हैं तो हमें अच्छे से ट्रीट करना होगा। तुमने सच में बहुत अच्छा काम करा, मुझे नहीं पता था ये पहले से। क्या हाँ मैं डेफिनेटली तुम्हारी तारीफ करूंगी मास्टर के सामने, वो भी डिटेल में। कितनी अटोरेबल है। नो मिस आप ये कैसे कह सकते हैं? कह रही आप अभी गुस्सा करना चाहिए था बैड टेम्पर के साथ। नो मेरा मतलब था मास्टर को मत बताओ, इस रास्ते दूसरे सोचेंगे कि मैं सही हूँ। मास्टर हमेशा से ही मिस के रूमर्स के बारे में मतलब वो थोड़ा ट्रबल में रहते थे, तो वो सिर्फ उसे सबक सिखाएंगे। हे ओ डियर मिस तुम अभी भी जगी हो, मैं आपका बेड क्लीन करने जाती हूँ, बट मास्टर बहुत दिनों तक वापस नहीं आएंगे, हमें नहीं पता ये कब होगा। मैं जाके मेरी ड्यूटीज़ पहले अटेंड करती हूँ। वेट मेरा इंतज़ार करो। वार्निंग जो स्क्रिप्ट है ना मिशन की वो फेल होने वाली है। मर्डर को क्राइम मेंशन में कमिट मत करने दो। क्या बटलर पास में है? नहीं जो स्क्रिप्ट है ना वो अलाउ नहीं करती कि मेंशन के अंदर कोई मर्डर हो, अदरवाइज मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करती हैं। बट हमारे फैमिली अनवेलकम अनइनवाइटेड गेस्ट को वेलकम नहीं करती। अगर तुम मुझे देखना चाहते हो अपॉइंटमेंट लो मेरे से
इन एडवांस में, चाहे मैं एग्री हूँ या ना हूँ ये मेरे मूड पर डिपेंड करता है। प्लीज़ इस टी चाय को पीने के बाद चली जाइए। मिस ये क्या कर रही है, क्या मैंने इसे गुस्सा दिला दिया इसे जाने के बोलने के लिए? आउच, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा खुद का घर है? तुम ये सिर्फ कैसे हैं? ओह मैम मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड थी, मुझे माफ़ कर दो। एक्चुअली मैं स्पेशली आपसे माफ़ी मांगने के आई थी। एक्चुअली मैंने एक लेटर लिखा था यंग मास्टर से, कहते हुए कि मैं आऊँगी। मैं हमारा जो रिलेशनशिप है ना यंग मास्टर के सामने वो ठीक करना चाहती थी। यंग मास्टर मुझे ना विंटर हंटिंग फेस्टिवल में दोपहर के समय लेकर जाएंगे, तो मैंने कुछ कपड़े चुने थे इस ओकेशन के लिए। क्या मैं इंतज़ार कर सकती हूँ यंग मास्टर का? श्योर, तुम दरवाजे के बाहर इंतज़ार कर सकती हो। ओह मिस, कोई भी नोटिस नहीं करेगा अगर एक या दो मेड मेंशन से गायब हो जाए, जब तक आप चुप रहें। बट वो लड़की ना थोड़ी ट्रबलोसम थी और मुझे ना वेट करना होगा जब तक यंग मास्टर उसे छोड़ नहीं देते। मैं नोटिस करूँगी, बट ये एब्सोल्युटली मना है कुछ भी बुरा करना मेंशन के अंदर, समझ गए? ओह और ना हमेशा वॉयलेंस के बारे में सोचना बंद करो, थोड़ा सा मोर सिविलाइज्ड बनो। मैं कपड़े कुछ चूज़ करते, मेरे को ना दोपहर में ढूंढने आना और हम बाहर एक साथ जाएंगे। ओके मेंशन के बाहर तुम यहाँ आ गए? ओह माय, मिस ने एक्चुअली तुम्हें बाहर निकाल दिया। चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया यंग मास्टर को तुम आ चुके हो और वो तुम्हें जल्दी पिक करने आएंगे। थैंक यू, तुम बहुत काइंड हो। ये कुछ भी नहीं है जब तक मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ यंग मास्टर की। बट जो अफवाह ना हमने फैलाई थी वो, उसने मिस को कुछ मुसीबत नहीं पड़ी है, वो सच में अनोइंग है। मिस ने मुझे कुछ परेशान नहीं करा, तो प्लीज़ उसको ऐसे मत करें, ये मिस के लिए अच्छा नहीं है। मैंने सब कुछ देख लिया, चिंता मत करो। अगर हम में से कुछ हम है ना डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे, सबको बताना कि कितनी टेरेबल है मिस, ये प्रॉपर नहीं है। और अफवाह फैलाओ प्लीज़, डोर से ज़्यादा दूर मत रहना। मैंने सुना था जो मैन ईटिंग वुल्फ्स है ना और पॉइजनस स्नैक्स फॉरेस्ट में वो पीछे ही हैं। मुझे पूरा रास्ता जाना होगा प्लांट प्रोसेसिंग का डील करना इस कचरे के साथ, ये कब ख़त्म होगा? मैंने यंग मास्टर से इसके बारे में अच्छे से बात करूँगी। ओह तुम बहुत काइंड हार्टेड हो, जो यंग मास्टर है ना हाउस का वो बहुत ब्रिगर और लग्जूरियस होगा, राइट? क्या यंग मास्टर डेट पे बाहर है उस यंग लड़की के साथ फिर से? तुम्हें जानते ही ये घंटे हो चुके हैं जब से वो गए हैं। मैं इस समय उनके रूम में थी पूरे समय और उन्हें रोकने के लिए भी नहीं है, ये बहुत सैड होंगी ना। तुम अभी भी यहाँ पे, अभी भी इतना सारा कचरा क्यों है? अभी क्या हुआ था वो मेड के साथ जो इस कचरे के इंचार्ज में थी? कौन जाने, हाँ उसने ऑलरेडी व्हील आउट कर दिया था जो कार्ट को फॉरेस्ट के बाहर, वो फिर से टाइम पास कर रही होगी। हाँ बटलर, तुम कहाँ गए थे? ओ गार्बेज को लेकर जा रहा था। गाइस मुझे लगा इसने कत्ल कर दिया उस मेड का। ला 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 ला, ला। कौन सा मैं पहनूँ? क्या बटलर है यहाँ पे? आ रही हूँ मिस, ये ऑलमोस्ट दोपहर हो चुके हैं, आपको मेरी क्या ज़रूरत थी? टाटा, आओ मुझे कुछ एडवाइस दो। इस बार एक इस वाले का कैसा है? परफेक्ट। तो ये वाला ब्यूटीफुल, इसके बारे में क्या है? फुल मार्क। हे ये कुछ भी मदद नहीं कर रहा, और सीरियस हो? मैं सच में सीरियस हूँ, तुम जानती हो आप कहाँ जाने का प्लान कर रही हैं? मिस जो यंग मास्टर है ना वो डेट के साथ डेट पे गए उस लड़के के साथ, मैं भी देखना चाहती हूँ विंटर हंटिंग फेस्टिवल मार्केट को। मिस हैज प्रॉपरली कभी भी कहीं नहीं गई होंगी बटलर के साथ पहले, न्यू प्लॉट्स और लाइन क्रिएट करना वो शायद एंडिंग को बदल दें। मैं समझता हूँ मिस, मैं इक्विपमेंट को प्रिपेयर कर लेता हूँ। हाँ यहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स होंगे यंग मास्टर के पास उस समय ऐसे। वेट होल्ड ऑन, ये मेरा मतलब नहीं था, मैं सिंपली चाहती हूँ कि तुम मुझे कंपनी दो फन के लिए। ये ऐसा साउंड करे कि मैं ऐसे डेट के लिए इन्वाइट कर रही हूँ। वेल मैं जानता हूँ मिस यंग मास्टर के बारे में आप केयर नहीं करती, बट मिस आपको मुझे आपको प्रेडा करने के लिए ज़रूरत होगी, राइट? हाँ ये डेंजरस है मेरे लिए बाहर अकेले जाना। बाय द वे अगर यंग मास्टर उस लड़के के बारे में बात करें, इवन थॉट जो यंग मास्टर वो पावरफुल नोबल है, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा? जो लड़की है वो मुझसे पंगे लेने भी आए। मास्टर्स के बारे में क्यों कुछ नहीं कर रहा? जो मेट्स है ना जो यहाँ आए हैं वो यंग मास्टर के लिए आए हैं। मास्टर इंटरफेयर करना चाहते थे, बट तुमने यंग मास्टर को इतना ज़्यादा पसंद कर देते पहले, जो भी मास्टर चाहते थे तुम हमेशा उसे सेटिस्फाई कर देती। बिसाइड अफवाह जो फैला रहे हैं कि आपने उस लड़की को परेशान करी उसे क्लियर करने के लिए यंग मास्टर की गलतफहमी आपके बारे में, तो आप प्लीज़
उस लड़के के रास्ते में किस तरह से आने लगी। क्या, कौन सी स्टूपिड लड़की थी मैं, ये सारे मेरे गलत थे। ऑल राइट, तुम जाओ और अपने कपड़े बदलो, मेरे साथ आना और चलो यंग मास्टर के रूम में चलते हैं। रास्ते में ईस्टर्न स्ट्रीट ऑफ द साउथ एंड किंगडम। ओ तेरी की, वाह ये इतना बढ़िया है, थैंक यू आपने ये सब चीज़ें करी मेरे लिए। मेस ये जो डिशेज हैं ना रेडी हैं, ये सारे एक्स्ट्रा गिफ्ट हैं एक्सक्लूसिव गेस्ट के लिए। थैंक यू यंग मास्टर, यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं थी पूरा रेस्टोरेंट को रिजर्व करने के लिए हर समय जब भी हम खाना खाते हैं। यंग मास्टर ये स्ट्रेंज है, ये यहाँ मुझे परेशान करने के लिए क्यों नहीं है? नॉर्मली वो मुझे बाहर जाने से रोकती, रिसेंटली वो बहुत अजीब बर्ताव कर रही है, मुझे लगा था वो हार्ड टू गेट प्ले कर रही है। क्या इसकी कोई फीलिंग नहीं मेरे लिए अब? यंग मास्टर हाँ क्या हो गया, कि सब कुछ रेडी है? खाओ जल्दी से, जो ये जगह कहते हैं ये बहुत अच्छी, इसके पास बहुत अच्छे रिव्यू हैं। मैंने मेन्यू तुम्हारे प्रेफरेंस के हिसाब से सेट कर दिया है, तुमने कुछ ज़्यादा नहीं कहा और कुछ मेरे को अटेंशन भी नहीं दे रहे। मैंने आज के लिए अच्छे से कपड़े पहने थे, क्या तुम किसी और के बारे में सोच रहे हो? यार कौन हो सकता है तुम्हारे अलावा, किसके बारे में मैं सोचूंगा? हाँ मैं सोच रही थी हो कौन सकता है, ये पॉसिबली वो अनलकी फैंसी नहीं हो सकता राइट यंग मास्टर? यंग मास्टर तुम फाइनली आ गई क्या? यंग मास्टर हाँ वेट, तुम यहाँ क्यों हो? मैंने ये जगह रिजर्व करी है, तुम अंदर कैसे आई? वेल मैंने वो प्राइस तिगुना कर दिया और मैंने मैनेजर को बोल दिया कि मैं एक अफेयर पकड़ने आई हूँ। तो ये कुछ ज़्यादा ही नहीं है, तुम ऐसा क्यों कहोगी? ये बहुत रेयर है मेरे और यंग मास्टर के लिए मिलना। हे बकवास मत करो, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है कि मेरे पास कोई फीलिंग नहीं है तुम्हारे लिए, सब कुछ उस इंगेजमेंट की वजह से है। तो फिर जाओ और इंगेजमेंट का तोड़ दो। तुम बार बार बात ही करे जा रहे हो कि तुम सच्चा प्यार चाहते हो बट मेरा घर छोड़ के नहीं जाओगे। तुम स्टेट भी मतलब पैसा भी चाहते हो, सच्चा प्यार भी, तुम कुछ ज़्यादा सपने देख रहे हो। मिस प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत करो, यंग मास्टर के पास उसके रीज़न होंगे, मैं उन्हें सपोर्ट करूँगी, वो चाहे वो जो भी करें, इसके पास इसके रीज़न है कि घटिया जुबान है। तो फिर उसके पास क्या हक है कि वो दूसरों को उसके हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस करने दे? मैं भी जानती हूँ कि पीटफुल एक्ट कैसे करते हैं तुम। हाँ मैं इंगेजमेंट के साथ क्यों नहीं तोड़ देता, क्योंकि मैं फैमिली का ऑर्डर को मना नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इंगेजमेंट तोड़ना नहीं चाहता? ये भी मुझ पर नहीं है। और तुम इतने दर्द में क्यों? तुम हो जो दूसरों को परेशान करते हो और वो है जो वो परेशान होती है। मुझे तुम्हारी मैस को क्लीन करना होता है, क्या तुम भूल चुके हो वहाँ क्या हुआ था? तुम्हारे साथ क्या गलत है? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पर गुस्सा करने की? ऑफकोर्स मैं गुस्सा हूँ, तुम यहाँ आए क्यों? मैं तुम्हारे हार्ट टू गेट से ना वो थक चुका हूँ, मैं बहुत जल्दी चले जाऊँगी ये सब सॉल्व करने के बाद। मुझे शॉपिंग पे जाना है। किसके साथ खेल रही? तुम्हारे पास कोई फ्रेंड्स नहीं है, एक आदमी, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। अनरीजनेबल फूल, मैं यहाँ तुम्हारे साथ समय व्यर्थ नहीं करूँगी। मैं तुम्हें ये देने आई हूँ, इसे लो, मैंने ऑलरेडी तुम्हारी चीज़ें ना अंदर पैक कर दी हैं। क्या सब कुछ ख़त्म हो चुका है? ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पे कोई पनिशमेंट हो जब हम इंगेजमेंट तोड़ें। प्लीज़ मेरे घर से को छोड़ के चले जाओ, मेरे घर से चले जाओ अभी। क्या तुम सीरियस हो? मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करा था क्योंकि मैं अंधी थी प्यार में, मेरे डैड इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहे थे, अब मैं ये सब नहीं सह सकती, सब लोगों को मेरे साइड ही रहना पड़ेगा। तुम कैसे मैनेज करोगे अपने फैमिली को? उनके लिए जो मैरिज एनालिसिस है ना इकलौता रीज़न है कि तुम उनके लिए यूज़फुल हो अभी के लिए भी। मैं सोच रही हूँ कि तुमने प्लान बना तो नहीं लिया अपने गर्लफ्रेंड के साथ भागने का? उसकी बकवास को मत सुनो। नहीं तुम ये नहीं कर सकती। हाँ क्यों, तुम अच्छे से घुल मिल क्यों नहीं पा रहे? क्या तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? नहीं तुम नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तुम इतना इंटेंसली क्यों रिएक्ट कर रही हो? नहीं हाँ क्या तुम भी उनमें से एक हो? मुझे तुम्हें विला में ही क्लीन कर देना चाहिए था। हिम्मत भी मत करो अपने घटिया गंदे हाथों से मिस को टच करने की। ये कब आया, क्या एक घोस्ट है? तुम अनोइंग आदमी। वेट मैंने तुमसे बोला था और बाहर इंतज़ार करना है ना, मैं ठीक हूँ यहाँ पे, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। अगर इसने मेन कैरेक्टर को मार दिया तो मैं गेम को कैसे कंटिन्यू करूँगी? मिस क्या आपने रियलाइज़ नहीं करा कि ये लड़की आपका? सर मिस प्लीज शांत हो जाइए, ऑल थॉट आपने ये रेस्टोरेंट को रिजर्व करा है, जो लोग हैं ना आसपास के वो कंप्लेन कर रहे हैं आवाज़ के बारे में। क्या मैं इतना कह रही हूँ? सर एंड मिस ये अनइम्पॉर्टेंट एनपीसी ओनर हैं, प्लीज़ फाइट यहाँ पे स्टार्ट मत करें, हमें ट्रेडिशन को यूज़ करना चाहिए,
हंटिंग फेस्टिवल को रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए जाओ और बनी के लिए सर्च करो। क्या वो बनी? बनी को ढूंढना क्या है, ये ट्रेडिशन है इस टाउन का। विंटर हंटिंग फेस्टिवल के दिन यहाँ पे स्पेशली एक बनी की परेड है, वो टाउन के किसी कॉर्नर में छुपी हुई है और विश करते हैं जो उस बनी को ढूंढ लेता है वो इच्छा पूरी हो जाती है। क्या सच में बनी को ढूंढने के बारे में लाइक एस्ट्रो की तरह? इनकी ये पैनिक अपेयरेंस देखने के बाद मुझे लगता है किस तरह की वेयर एक्टिविटी है, इंटरेस्टिंग नेचर, चलते हैं। वेट, मैं एग्री नहीं कर रहा एंगेजमेंट तोड़ने के लिए, इन्हें वापस लेकर आओ। कौन केयर करता है? नहीं, चलो चलते हैं बटलर, मुझे शॉपिंग में कंपनी दो। फेयरवेल अनोइंग मेन कैरेक्टर्स, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैंशन के बाहर की मार्केट कैसे लगती होगी। मुझे परेशान करोगे तुम्हारे सपने में आपके पीछे में, अगर यहाँ पे कोई है जो आपको डिसप्लेस करता है मैं उन सबको सॉल्व कर सकता हूँ आपके लिए किसी भी समय। ये कैसे हो सकता है? इस दुनिया में तुम्हारे अलावा जो किलर है कोई भी मुझे परेशान नहीं कर सकता। ओके, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे अच्छे से प्रोटेक्ट करोगे, मैं स्लोली तुम्हें सॉल्व कर दूँगी। हे, क्या ये मिस है? इतने लग्जरियस कपड़े पहन रखे हैं, क्या ये नर्वी पास वाले मेंशन से तो नहीं है? इम्पॉसिबल, हम वो जानते हैं, वो मलिशियस मिस ने सीन क्रिएट करा था हमारे टाउन में जब वो बच्ची थी और वो बहुत सालों से आए नहीं है। बट वो अब अचानक से क्यों दिखाई देगी? तुम सही हो, बेटर ही ना हो। लोग हैं ना मेंशन से जो मिस को सर्व कर रहे हैं वो उनके दास से भी बुरे हैं। बोलना बंद करो। हे, जो यंग मैन है ना उसके पास कितना हैंडसम है ना, होप करती हूँ कि वो उस मलिशियस मिस उसे ले ना ले। या चल कर ऑल थ्रोट, मैंने अफवाह सुनी थी बैड रेपुटेशन के बारे में, मिस के बारे में। मैं कैसे ये सब सुन सकती हूँ इतने स्मॉल टाउन में? कितना कोइंसिडेंटल है। ऐसे एक्ट मत करो, जो गुजरे थे ना वो शायद यंग मास्टर के साथ ही होंगे, शायद मुझसे पैसे निकालना चाहते हैं। ओके मिस, आप बहुत रेयरली बाहर जाती हैं और आपने इतना सारा खाना खरीद दिया, आप ये खुद क्यों नहीं खा रही? हाँ मैं, मुझे भूख नहीं लग रही। ये सारा खाना मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है ताकि तुम्हारे अफेक्शन लेवल को बढ़ा सकूँ। मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं है फूड में, आपने अभी तक लंच भी नहीं करा मिस, और शायद ऐसा लगता है कि आपने अचानक से खाना खाना बंद कर दिया है। क्यों? बट ये बहुत बुरा होगा अगर मिस खाने को ऐसे ही अवॉइड करती है, नहीं तो एनीवे अगर मैंने खा भी लिया आखिर में। ओह गुडनेस, क्या तुम्हें याद नहीं है हम एग्री हुए थे कि हम एक साथ डांस करेंगे? वेल, मेरा थोड़ा वज़न बढ़ गया था पहले, तो मैं वज़न कम करने की सोच रही हूँ। ऐसा है क्या मिस? हाँ, मैं सच में डांस तो बहुत करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। लाइटनिंग बाय 2.3 पाउंड, मिस आपकी जो हेल्थ है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तुम्हें मेरा वेट इतने अच्छे से कैसे पता लगा? पास में जब तुम सो जाते स्टडी में मैं ही था जो आपको वापस लेकर जाता था, ऑफ कोर्स मास्टर के परमिशन के साथ। यंग मास्टर, क्या तुम सच में एंगेजमेंट कैंसिल करने वाले हो? अगर आपको टेस्ट नहीं मिला ना तो आपकी फैमिली आपको बख्शेगी नहीं। मैं वो क्यों सोचूं दूसरे क्या सोचते हैं? चाहे कुछ भी पनिशमेंट आए मेरे पास ही आएगा ना। ये ग्रेट है यंग मास्टर, आप फाइनली उस विलफुल मिस से पीछे छुड़ा सकते हैं। मैं कंटिन्यूस लड़की को ढूंढता ही रहूँगा, वो सच में बहुत काइंड है। वो अचानक से चली गई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आप इंगेजमेंट कैंसिल करें उसके लिए। एक्चुअली मैं भी इंगेजमेंट कैंसिल नहीं करना चाहती। स्ट्रेंज राइट, मुझे लगा था कि मैं इसको समझ नहीं पा रहा और अब मैं अपने आप को भी समझ नहीं पा रहा। क्या यहाँ पे कुछ गलत है मेरे ब्रेन के साथ? ड्रीम, पूरे रास्ते में यहाँ तक मैंने इतने सारे पैसेंजर्स को कहते हुए सुना है, मतलब मलेशियस मेरे को गाली बकते हुए यहाँ चल के रहे। तुमने कहा था शुरुआत से कि मैं कुछ डिस्प्लेसिंग एनकाउंटर करूँगी, तो तुम कुछ जानते हो मिस? क्या तुम भूल चुके हो? ये वो होम टाउन है उस यंग लड़की का, जो यंग मास्टर है ना उसके साथ का, यही वो जगह है जहाँ पे तुम तीनों मिले थे। उस समय में ये विंटर हंटिंग फेस्टिवल था, रैबिट्स को सर्च करे थे, और जब से ये जो इंसिडेंट हुआ था ना विंटर हंटिंग फेस्टिवल में, जो लोग थे इस टाउन में वो आपके अगेंस्ट हैं, और आप जब से ही नहीं आए मैं इतना इम्पोर्टेंट मैटर को भूला नहीं जा सकता। क्या पे बैक स्टोरी है? ड्रीम ने मुझे इसके इतने इंपॉर्टेंट प्लॉट के बारे में क्यों नहीं बताया? तो जो मिस की रेपुटेशन है वो डैमेज थी क्योंकि कुछ इंसिडेंट हो चुका था जब वो फीमेल लीड से मिली थी, और फिर मिस ने कभी भी टाउन में कदम नहीं रखा, और आज मैं इतनी खुशी खुशी टसंडर को यहाँ शॉपिंग के लिए लेकर आए, क्या सेल्फ एक्सप्लोशन नहीं है? वेट, और अभी अभी इसने मुझे सस्पेक्ट नहीं करा बट ऐसा लग रहा है मुझे याद दिला रहा है। हाँ, ये क्या ड्रीम
इंटेंशनली मुझे एक मिशन प्रमोट दे रहा है, पार्टिसिपेट करो रैबिट को सर्च करने के लिए। और उस साल उस इंसिडेंट जो हुआ था विंटर हंटिंग फेस्टिवल के दौरान, उसका सच पता लगा, रिवॉर्ड होगा ट्रेजर क्लू। बट जो इंगेजमेंट है ना वो कैंसिल हो जाएगी, और जो चीज़ें मैं चाहती हूँ ना वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं। और जब हम शॉपिंग फिनिश कर लेंगे चलो वापस चलते हैं। मिस आप आज बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, आप डेफिनेटली, आपको पसंद नहीं होगा कि इतना स्मॉल टाउन ऐसी बातें करें और या फिर इतने सारे लोग आपको देखें, राइट? थैंक गॉड ये अभी भी ट्रेजर चाहता है, अदरवाइज ये मुझे यहाँ बेहोश कर देता और किसी स्ट्रेंज जगह पे ले जाता। बट जैसे तुमने कहा था मुझे कुछ खाना होगा, मैं यहाँ का ट्रेडिशनल डिनर खाना चाहती हूँ। रियली? हाँ ऑल राइट मास्टर, वैसे भी इस महीने मेंशन में नहीं है, ये बहुत लेट हो जाएगा वापस जाना खाना खाने के लिए, तो फिर चलो एक इन ढूंढते हैं और आज रात यहीं रुकते हैं। हाँ हे वहाँ देखो दूसरी रिच लेडी आई है, चलो जाके उसे इंटरेक्ट करते हैं और कुछ पैसा निकालते हैं स्पेंड करने के लिए। क्या हम, वेट वो अभी मलिशियस मिस के बारे में बात करती रे, राइट? क्या वो मिस तो नहीं? तो वो उसका बटलर होगा, हम सिर्फ बुरे लोगों का पीछे छुड़ा रहे हैं ना। जब वो उसे ना एले में बुला, मतलब गली में बुला लेंगे, तो हम उसके वैल्यूबल ज्वेल्स वॉलेट और कपड़े छीन लेंगे, और जो टाउन है ना जो इसके अगेंस्ट है तो वो ईजिली हमें पता नहीं लगा पाएंगे। अगर वो मर गई तो इसकी खुद की गलती होगी, उसे मारना मत, यहाँ पे बहुत सारे अमीर लोग हैं उसकी तरह इस एज ऑफ ग्रुप के। सेकेंड फ्लोर ऑफ टैवर्न, टा टा, दो रूम्स? ओ तुमने मुझे डरा दिया, मैं इसी रात के समय डेंजरस है और आप बहुत सारे मेरी तरह को अट्रैक्ट करेंगी जस्ट लाइक लास्ट टाइम। तो मैं सोच रहा था कि हम ये जो वॉल है ना दो रूम्स के बीच की, उसे तोड़ देते हैं और एक स्मॉल डोर बना देते हैं। हाँ चिंता मत करो, ये लॉर्ड ब्रिंग वॉल नहीं है, ये इश्यू नहीं है, मैं हाउस कीपर हूँ, मेरी एबिलिटीज़ को अंडरस्टिमेट मत करो। ऑल राइट मिस, प्लीज़ बिहेव करो और यहाँ रुको जब तक मैं वापस आता हूँ। ओके मैं बिहेव करूँगी। वह टोनो टैवर्न के अंदर ऐसे ही घूमना वो मिस बिहेविंग की तरह काउंट नहीं होता, राइट? या फिर मैं ये अपॉर्चुनिटी लूँ और कुछ पहले के इंसिडेंट्स के बारे में जानूँ। टैवर्न फर्स्ट फ्लोर, क्या वो इंसान है था जो गॉसिप कर रहा था मेरे बारे में रोड पे पहले? हेलो क्या तुम जानते हो वो उस विकेट मिक्स ने यहाँ पे क्या बुरा करा था? मुझे नहीं पता। हाँ तुम इतना एक्साइटेड क्यों? मिस फैमिली सीक्रेट है ना, ऐसे बताया नहीं जा सकते, और जो लोग हैं ना यहाँ पे वो बता नहीं सकते, स्पेशली सिंस क्योंकि आप इतनी अमीर फैमिली से आई हैं। तुम कौन हो? मैं एक वंडरिंग पॉइंट हूँ, मैं ऑल हर तरह की स्टोरीज को कलेक्ट करना पसंद करता हूँ। मैं अगर आप क्यूरियस हैं मैं आपको एक जनरल आइडिया दे सकता हूँ, बट उतने पैसे मांग रहा है। थैंक यू। ऑल राइट तो मुझे डिटेल में बताओ, जो मिस है ना वो इसे बच्ची है तो वो कुछ ऐसा अनफॉर्गेबल नहीं करेगी, बट जो पूरा टाउन है ना अभी भी उससे नफरत कर रहा है। ये सच में अनफॉर्गेबल है, जो मिस है ना वो मर्डरर है। हे गाइस आज के लिए इतना ही, आई होप आप सबको पसंद आए होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, प्यार पे कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू।